मार्केट बुलिश हो चुका है। ये जैसे कि 15,000 जो इसका सपोर्ट लेवल था, 14,969 जो था निफ्टी का सपोर्ट लेवल, वो आज गैप अप ओपन होके ब्रेक हो चुका है। ट्रेंड फुल पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है अभी नेगेटिव होने का। फिलहाल जब तक ये 14,900 के ऊपर रहता है तब तक हम लोग को कोई रिस्क नहीं है। मार्केट फुल बुलिश है, सारा का सारा सेक्टर सब देखिए, अगर सही से ध्यान देंगे तो बहुत रेयर ही होगा जो रेड में आपको दिखेगा। सारा का सारा जितना सारा स्टॉक्स है, ये सारा स्टॉक्स हम आप लोग के लिए डेली सर्च करते हैं, डेली आप लोग के लिए वॉच लिस्ट जो बनाते हैं, तो इतना मेहनत हमको डेली करना पड़ता है। सारा का सारा वॉच लिस्ट जितना है, सारा वॉच लिस्ट हम देखने के बाद आप लोग के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके हम निकालते हैं, जिसमें बताते हैं कि कल स्टॉक्स में क्या होगा। तो ये वॉच लिस्ट आज हम लोग बना रहे हैं, आज 18 तारीख है, ये वॉच लिस्ट बन रहा है। 19 तारीख का मीन्स वेडनेसडे का वॉच लिस्ट तैयार हुआ है। कल हम लोग कौन सा स्टॉक बाई करेंगे, कौन सा स्टॉक सेल, नहीं, कल हम लोग सेल नहीं करेंगे। मार्केट पॉजिटिव है तो सेलिंग साइड में हम लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बाइंग साइड में जाएंगे। ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करेंगे। मार्केट पॉजिटिव है तो हम लोग भी बाइंग साइड प्रेशर जहाँ रहेगा उसी स्टॉक्स में बाई करेंगे। ये कुछ स्टॉक्स हम सिलेक्ट करके रखे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न कल देगा। इसमें कुछ स्टॉक्स है जो 2% 3% रिटर्न दे सकता है, कोई 1% रिटर्न दे सकता है, कोई स्टॉक 5% भी रिटर्न दे सकता है। जैसे कि आज अदानी एंटरप्राइज हम लोग बाई किए थे, और अदानी एंटरप्राइज का मूवमेंट आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ मूवमेंट आया इसमें। अदानी एंटरप्राइज हम लोग कल ये वॉच लिस्ट में था, इसके ऊपर हम लोग बोले थे बाई करने के लिए, अपना सेकंड टारगेट यहाँ तक का था, थर्ड टारगेट यहाँ वहाँ तक, तो टारगेट आज कंप्लीट नहीं हुआ। फिलहाल फिर भी बहुत अच्छा हम लोग को प्रॉफिट मिला अदानी इंटरप्राइज के पास में। और हम लोग कल वॉच लिस्ट में हम लोग का क्या क्या था एक बार देख लेते हैं। अदानी इंटरप्राइज, हेवल्स को अगर आप देखेंगे तो हेवल्स में भी आज बहुत अच्छा मूव आया। तो ये सब चीज़ होता है, जो स्टॉक्स तो बहुत सारा होता है लेकिन हम लोग को देखना यह है कि कौन सा स्टॉक्स में हम लोग को मूवमेंट अच्छा देखने को मिला। तो हेवल्स को भी आप देख सकते हैं, कल हम लोग इसके ऊपर बोले थे बाई करने के लिए, स्टॉप लॉस यहाँ लगाने बोले थे। आप ठीक देखिए, मार्केट यहाँ से रिटर्न आया मगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये ऊपर चला गया। बाकी टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करते हैं इस सब चीज़ पे, ये सब चीज़ लगा रहेगा। आप अपने ग्रुप में, तो आप अगर रहेंगे तो आपको अपडेट वहाँ पे ग्रुप में संग मिल जाएगा, कौन सा स्टॉक बाई अच्छा पोजिशन हम लोग को दिया, अच्छा प्रॉफिट दिया, कौन सा स्टॉक कम प्रॉफिट दिया। आते हैं वॉच लिस्ट पे, और सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स पे एक चीज़ हम आप लोगों के संग शेयर करना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निफ्टी रेंज बाउंड में है, ये रेंज बाउंड ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ ब्रेक होगा, ऊपर के तरफ ब्रेक होगा तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है। अगर नीचे भी अगर ब्रेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सपोर्ट लेवल 14,970 है। और अगर कल बैंक निफ्टी निफ्टी सॉरी निफ्टी अगर इसके आसपास में 15,000 से लेकर 14,970 के आसपास में अगर इस रेंज बाउंड में अगर ट्रेडिंग होता है और इसके ऊपर अगर चला जाता है वापस रिटेस्ट होकर यहाँ टच होता है, इसके नीचे नहीं जाके यहाँ से रिवर्स होता है, तो आप इस पोजीशन पे बैंक निफ्टी का CE खरीद सकते हैं। 14,900 CE, 14,800, 14,850, 14,700, आपको जो प्रेफर लगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जैसे आपको हम वीडियोस में बताए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको कौन सा CE खरीदना चाहिए वो CE आप यहाँ पे खरीद के 1 से 2 दिन आप चाहे अगर छोड़ सकते हैं, तो आपको निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट 2 से 3 दिन के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि निफ्टी में कोई रेसिस्टेंस नहीं है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने में अब इसको टाइम नहीं लगेगा। 15,400 हम लोग को कुछ दिन में ही देखने को मिलेगा, मीन्स 250 से 300 पॉइंट्स का मूवमेंट हम लोग को इस वीक में देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से हम लोग आज बाइंग साइड में बाई करेंगे। अतुल ऑल टाइम हाई के पास में है ये स्टॉक्स, और ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देगा। आज का जो हाई है मीन्स प्रीवियस हाई, कल अगर हम लोग बाई करेंगे तो प्रीवियस हाई देखते, तो प्रीवियस हाई हम लोग का आज का जो हाई ये हाई है, तो आज का जो हाई है 8467.97, इस हाई के ऊपर अगर जाता है कल तो हम लोग बाई करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 8314 का। फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे 8611 पे, सेकंड टारगेट बुक करेंगे 8807 पे, और थर्ड टारगेट नहीं भी जा सकता है
सेकंड टारगेट तक अपना 100% हम लोग बुक करेंगे। हालांकि थर्ड टारगेट जो है हम लोग का 9026 का है, जो कि यहां तक जाने में 2-3 दिन लग सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे मार्केट्स जाता है ऊपर नीचे ऐसे करके रोटेशन होता है, तो 2-3 दिन 4 दिन लग सकता है। और अतुल लिमिटेड में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इधर आपको बाइंग पोजीशन से अगर इसके नीचे अगर आपको मिलता है अतुल, अगर इस रेंज बाउंड में मिलता है 8395 के पास में, इसके ऊपर नहीं, अगर इसके ऊपर मिलता तो कोई बात नहीं, बाई कर सकते हैं। अगर आपको कम प्राइस में मिलता है, अप्रॉक्स 8400 के रेंज में मिलता है अतुल, तो आप उस जगह पे बाई कर सकते हैं, आपको पोजीशन एंट्री बहुत अच्छा मिलेगा, मे बी ये सपोर्ट का काम करेगा, और अपना स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे है तो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा और टारगेट अपना बड़ा रहेगा। विनीति ऑर्गेनिक हम लोग बाई करेंगे 1820 के ऊपर, इसमें आपको नीचे रहे तो बाई नहीं करना है, ये बात याद रखना आपको, इसके नीचे आ जाए तो बाई नहीं करना। हर एक चीज़ का अलग अलग प्रोसेस होता है, इसका सपोर्ट था जिसके वजह से हम आपको बोले कि आप इस जोन के पास में बाई कर सकते हैं, कम दाम में आपको मिलेगा, तो क्योंकि ये इसका सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा फिर भी ये सपोर्ट का काम करेगा, आपको स्टॉप लॉस बचा लेगा। मगर विनीति ऑर्गेनिक जो है इसके नीचे ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको इस रेंज बाउंड में या इस रेंज बाउंड तक का लॉस देखना पड़ सकता है। हम लोग छोटा स्टॉप लॉस लेके इसको बाई करेंगे जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, इस हाई के ऊपर जाती है इसको हम लोग बाई करेंगे 1820.85। देखिएगा, वेट कीजिएगा कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हो, 5-10 मिनट इसके अंदर इसके ऊपर अगर रह जाता है मार्केट तो आप उस जगह पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 1784 का, फर्स्ट टारगेट बुक कीजिएगा 1879 का, और सेकंड टारगेट बुक कीजिएगा 1935। सेकंड टारगेट तक हम लोग को कल मिल सकता है, अगर मूवमेंट अच्छा बना रहेगा तो कल हम लोग को सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। अदानी पोर्ट हम लोग बाई करेंगे 781, अदानी पोर्ट को हम लोग थोड़ा अगर कम प्राइस में भी मिले, अगर इनकेस अगर हम लोग को इस रेंज बाउंड में मिले, इस रेंज बाउंड के पास में सपोर्ट है अदानी पोर्ट का, तो ये सपोर्ट लेवल आपका पर है 767, 766। इस रेंज में अगर आपको अदानी पोर्ट कल मिलता है, इस लो में अगर इसके नीचे अगर इस जगह के आसपास मिलता है तो बाई कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। मे बी अगर कल गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आपको इस रेंज के आसपास में मिलता है तो आप संग सुबह सुबह मॉर्निंग में ही बाई कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस के नीचे ना जाए, स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई कीजिएगा और अपना अपर टारगेट जो है 828 ये टारगेट तक में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ एक बात बता देते, ये इसका रेसिस्टेंस है, ये इसका रेसिस्टेंस है और ये इसका आज का हाई है, तो इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, इसके ऊपर आधा घंटे एक घंटा अगर ट्रेडिंग कर लेता है, कोई अच्छा सा ग्राफ बन जाता है, तो आप उस जगह पे भी बाइंग कर सकते हैं। मगर मेरे लिए यही कहना अच्छा होगा कि अगर ये थोड़ा हम लोग को कम प्राइस में मिलता है तो हम लोग के लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ऊपर रेसिस्टेंस कम है, तो आपको जितना कम प्राइस में मिलेगा आपका बेनिफिट उतना डबल हो जाएगा। अंबुजा सीमेंट हम लोग को बाई करना है, ओ इसको इतना नीचे कौन लेके चला गया, ये रहा नीचे, क्या कर रहा है भाई ऊपर, ये रहा। तो अंबुजा सीमेंट हम लोग बाई करेंगे 316.95 के ऊपर। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि नीचे हम लोग को मिले तो बाई करना, नहीं ऐसा गलती नहीं करना है, ये एक रेंज बाउंड है, इस रेंज बाउंड के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ही अपने को बाई करना है। कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर जब ट्रेडिंग करे तो हम लोग बाई करेंगे, ऊपर जाए फिर वापस नीचे आए रिटेस्ट अगर करने, वो सबसे अच्छा एंट्री होगा अंबुजा सीमेंट में, क्योंकि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बना है ये, एक बार दो बार तीन बार चार बार इसको टच करके वापस नीचे उतरा तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है, स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता है फ्यूचर में। तो वो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो फिर यहीं से वापस रिटर्न होकर ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट में भी इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट होने आएगा तो इसमें बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा, सेम एज निफ्टी भी सेम इसी की तरह बना हुआ। अगर आप सही से देखेंगे, निफ्टी को फॉलो करेंगे तो निफ्टी में भी आप देखिए और अंबुजा सीमेंट को भी देखिए, एक बार नीचे दो बार नीचे तीन बार जो सपोर्ट टूटा अब ये वापस नीचे आएगा भी तो 15,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आएगा। सेम हम लोग को अंबुजा सीमेंट में भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है, सेम वैसा ग्राफ आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट में, एक बार नीचे दो बार नीचे तीन बार नीचे चौथा बार यहाँ से नीचे आया, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऊपर जाएगा भी तो वापस नीचे इसी जगह पे रेंज पे टच होकर ऊपर जाएगा, तो अपना स्टॉप लॉस 309 का रहेगा। बाई करेंगे 317 के ऊपर और 327 का टारगेट है वो टारगेट बुक कर लेंगे हम लोग, सेकेंड टारगेट नहीं है।
और भारत इलेक्ट्रिकल्स इसमें हम लोग बाई करेंगे, 15565 के ऊपर जाएगा तो बाई कर सकते हैं, मगर ये सपोर्ट यहाँ पे नीचे है, तो हम लोग अगर इसको और कम दाम में अगर बाई कर पाए तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकेस अगर कल हम लोग इसको और कम दाम में मिलता है अप्रॉक्स 150 या 152, इसके इस रेंज के नीचे ना मिले, 150 के ऊपर मिले, कहीं भी अगर आपको मिले तो आप इसको बाई कर सकते हैं आराम से 149 का स्टॉप लॉस लगा के। 149 के नीचे नहीं आएगा तो आपको एग्जिट कर देना, आपको जो भी लॉस है उस लॉस को बुक करके निकल जाइएगा, उससे ज़्यादा लॉस मत रुकिएगा। और इसका कम दाम में अगर कम प्राइस में मिलता है, इनकेस अगर ऊपर जाता है तो वेट कीजिए नीचे आने का, जितना कम प्राइस में मिलेगा आपका स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा और टारगेट आपको उतना बड़ा मिलेगा। तो 163.3 का टारगेट है फर्स्ट टारगेट और 171 का सेकेंड टारगेट है। ATGL हम लोग बाई करेंगे 1352 के ऊपर और 1303 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1391 का हम लोग फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे, 1519 का सेकंड टारगेट बुक करेंगे। अब इसको नीचे आए तो बाई नहीं करना उतना, इसके ऊपर जाए तो ही बाई करना है। प्रीवियस डे है, ये सपोर्ट का काम करेगा, आज अगर ये कल अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाएगा, तो इस बेसिस पे हम लोग इस पर ट्रेड लेंगे और इसको ऐसे पेंडिंग में हम लोग छोड़ देंगे। और हम लोग बाई करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। ये कुछ जो है लास्ट वाला ये हम कल के लिए रखे हैं कि अगर बाई चांस लाइव मार्केट में हमको कोई अच्छा पोजीशन मिलेगा तो बाई करना है, क्योंकि ये बहुत ऐसी पहले से ऊपर है, इसका स्टॉप लॉस आपको ख़तरनाक बन सकता है। नियर अबाउट अगर आपको ये 259 के पास में मिले तो ही एक अच्छा एंट्री मिलेगा, वरना ये बाई करना अभी हमको रिस्की लग रहा है। वैसे अगर आप बाई करना चाहते भी है तो 269.60 के ऊपर जाएगा तो आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा जो 280 का टारगेट दे देगा, और स्टॉप लॉस मगर बहुत बड़ा हो जाएगा 257, जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ग्रिंडवेल इसको भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी में रखे हैं, मगर ये करंट जो प्राइस है इसी प्राइस के रेंज में अगर आप बाई करते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके 1230 या 1250 के ऊपर जाए तो वहाँ पे अगर बाई करते हैं आप और 1211 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो ग्रिंडवेल नॉर्टन जो है इसको आप बाई कर सकते हैं, अच्छा हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है, मगर इसमें रिस्क क्या है, मे भी यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है मगर चांसेस ज़्यादा है। और अगर इसके ऊपर अगर चला जाता तो आपको श्योर शॉट 1392 का टारगेट मिल जाएगा, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको आप रिस्क ले सकते हैं। करेंट प्राइस 1230 है, इसी प्राइस पर बाई करके 1211 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बहुत छोटा स्टॉप लॉस से हिट भी होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है अगर इनकेस अगर ये ऊपर जाता है तो आपको यहाँ तक का 1392 का टारगेट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। जुबिलियन फूड इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, ये ऊपर जा चुका है, तो ये पोजिशनल ट्रेड वाले लोग जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं वो लोग इसमें पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। जुबिलियन फूड को अप्रॉक्स इस रेंज के पास में अगर आपको मिले 1-2-2904 के पास में अगर आपको जुबिलियन फूड मिलता है तो बहुत अच्छा बाइंग है, स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा 2871 का और इसको अप्रॉक्स ऐसे ही छोड़ दीजिएगा एक सप्ताह 10 दिन तक के लिए, 3400 का आपको टारगेट आराम से मिले 3400, क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो आपको जुबिलियन फूड में बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड मिलेगा। टाटा मोटर्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, फिर भी जब ओपन हुआ है चार्ट तो हम लोग टाटा मोटर्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स इस रेंज में अगर आपको मिले, इस रेंज में अप्रॉक्स 325 या फिर 335 के ऊपर अगर सस्टेंस कर जाता है तो इस जगह पे भी आप बाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो उस जगह पे सपोर्ट, अगर आपको कंसोलिडेशन मिले, ऐसा कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मिले तो उसमें आप स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के आप ट्रायल कर सकते हैं, वरना 314 का टारगेट लगाइएगा। और अगर थोड़ा कम प्राइस में मिले अप्रोक्स इस जगह पे 325 के पास में मिले तो आप बाई कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस 314 लगाइएगा। फर्स्ट टारगेट बुक कीजिएगा 351 और सेकंड टारगेट बुक कीजिएगा 403 तब मिलेगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अगर टाटा मोटर्स 356.70 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता आधा घंटा से एक घंटा अगर इसके ऊपर आ जाता तो 403 का हम लोग को टारगेट देखने को मिल जाएगा। वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल का ट्रेडिंग अच्छे से कीजिएगा, ये कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग को दे सकता है, जो भी लॉस है लॉस रिकवर करने का टाइम है, ये मार्केट में रिकवर हम लोग कर सकते हैं। होप आप लोग कल अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा, हमेशा याद रहे मार्केट में प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी भी ऐसा कोई भी ट्रेड ना ले जहाँ पे आपका एक बार में पूरा पैसा खत्म हो जाए। थैंक यू।